पानी को सिप करके पीने की बात मैंने आपसे कही थी, उसका कारण भी मैंने कल समझाया था, फिर से बता देता हूं कि मुंह में हमेशा लार बनती है और ये 24 तास बनती है, ये कभी भी बंद नहीं होती, कभी ज्यादा या कभी कम हो सकती है। जब आप सो जाते हैं रात को तो ये मुंह की लार बनना थोड़ी कम हो जाती है, बंद कभी भी नहीं होती। अब ये मुंह में जो लार बनती है ये सतत पेट में अंदर जाए तो आपके लिए बहुत उपयोगी है। कारण क्या है, ये जो लार है ये क्षारीय होती है और पेट में अम्ल बनता है, तो अम्ल और क्षार दोनों मिल जाए तो ये न्यूट्रल हो जाता है। विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण बन जाता है। तो आपके मुंह की लार सतत पेट में जाए, अम्ल के साथ मिले, तो आपका पेट जो है सामान्य हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ना वो क्षारीय रहे ना अम्लीय बने। इस दृष्टि से इस लार का पेट में जाना बहुत आवश्यक है। आपने कई बार ये देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं जिनको कभी चोट लग जाए, उनको कभी तकलीफ हो जाए तो वो चाट चाट के अपने को ठीक कर लेते हैं। चाटने में क्या है, जीभ पर बनने वाली लार है, उसमें सभी तरह के औषधीय तत्व हैं, मनुष्य में भी और जानवरों में। तो इसमें इतनी ज्यादा औषधीय है लार में कि ये सबसे ज्यादा कीमती मानी जाती है शरीर के लिए, इसलिए इसका एक काम भी खराब ना हो, इस दृष्टि से ये बार बार अंदर जाए, इसके लिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना, घूट घूट भर के पीना, ताकि ये पर्याप्त मात्रा में अंदर जाए। तो ये एक नियम था। और बाकी के दो नियम थे कि खाने के बाद कभी भी आप पानी ना पिए, पानी हमेशा एक डेढ़ घंटे के बाद पिए, क्योंकि खाना खाते ही आपके शरीर में पोट में अग्नि प्रदीप्त होती है जो भोजन का पाचन करती है। ये अग्नि का पानी से दुश्मनी है, अगर आपने भोजन किया तुरंत अग्नि प्रदीप्त हुई और पीछे से गटगट गटगट पानी पी लिया तो अग्नि शांत हो जाएगी, अग्नि शांत होगी तो भोजन का पाचन नहीं होगा और भोजन का पाचन नहीं होगा तो वो सड़ेगा और सड़ा हुआ भोजन सैकड़ों रोग पैदा करेगा। मैंने कल आपको इसका एक सरल उदाहरण दिया था कि स्वयं पाक घर में अगर अग्नि ना हो तो कोई भी भोजन नहीं बना सकते। आपके पास चावल है बहुत अच्छे क्वालिटी का, दूध भी है बहुत अच्छा, लेकिन अग्नि नहीं है तो खीर नहीं बनाएंगे आप, बन ही नहीं सकते। चावल है पानी भी है अग्नि नहीं है तो भात नहीं बनेगा, दाल है और पानी है और सब तरह के अच्छे मसाले हैं लेकिन अग्नि नहीं है तो दाल नहीं पकेगी। ऐसे ही पेट के अंदर अगर अग्नि नहीं है तो कुछ भी नहीं पचेगा। कितना भी अच्छा भोजन करिए अगर अग्नि तत्व तो नहीं है तो भोजन कभी नहीं पचेगा। तो अच्छा भोजन करना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छे भोजन को पचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अग्नि तत्व तो बराबर आपके शरीर में काम करता रहे, इस दृष्टि से भोजन के तत्काल बाद पानी नहीं पीना ही अच्छा होता है ताकि अग्नि अपना काम करे। एक से डेढ़ घंटे के बाद आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं। ये छोटे छोटे चार सूत्र मैंने आपको कल बताए। अब इन चार सूत्रों के बारे में आपके मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, कुछ प्रश्न हो सकते हैं, तो अभी आप 5-7 मिनट में 10 मिनट में पूछ लीजिए तो आगे के 10 सूत्र मैं आज और बताने वाला हूं। कल के जो चार सूत्र जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने दोहराए हैं, इनके बारे में आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप जरूर पूछ लीजिए ताकि आपकी शंका का समाधान हो जाए और बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए।